हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। हम चल रहे हैं पीएनसी में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पीएनसी में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डिफरेंस पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरम्स जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आती है उनका अपन देखते हैं और समझते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या बोलती है? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। आप कीवर्ड पे ध्यान दें, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। कैसी थिंग्स? एन थिंग्स है लेकिन सारी क्या, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। टेकन ऑल एट ए टाइम, फिर और ध्यान दें, टेकन ऑल, अपन ने सारी की सारी ले ली है एट ए टाइम, एक ही समय पे। सिंबलाइज्ड एज, उसको कैसे सिंबल के फॉर्म में लिखा जाएगा, इस टाइप में लिखा जाएगा। थ्योरम समझे, क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स है, उनको सभी को एक साथ लेना है एट ए टाइम, सेम टाइम पे, उसको सिंबलाइज मतलब कैसे लिखेंगे, एन पी एन लिखेंगे या उसको कैसे लिखेंगे, पी एन एन लिखेंगे या उसको कैसे लिखेंगे, ए यहां पे भी एन, ऊपर पावर में भी एन, या उसको कैसे लिखेंगे, एन फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। वो जो सबसे ज्यादा चलता है वो मैं बता दूं, एन पी एन, ये चलता है इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ये चलता है, ये दोनों सबसे ज्यादा अपन काम में लेंगे, एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। इसको ऐसे सिंबलाइज किया जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ये एन फैक्टोरियल आया कैसे, इसको अपन समझ सकते हैं। नंबर ऑफ थिंग्स अपने पास थी एन, वो सभी को ले लिया, इसका मतलब अपने को सपोज एन डिजिट का कोई नंबर हो अपने पास, कितने डिजिट का, एन डिजिट का, ध्यान देना, अपने पास एन डिजिट हो, टोटल एन डिजिट है अपने पास, कैसे 1 2 3 4 ऐसे एन डिजिट है टोटल, है ना। एन डिजिट से आपको एन डिजिट का ही नंबर बनाना है, नंबर किसका बनाना है, एन डिजिट का ही नंबर बनाना है। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा, 1 2 3 4 ये एन तक अपने पास डिजिट है, एन डिजिट, उनसे एन डिजिट का एक नंबर बनाना सभी को लेके। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप एक रेलगाड़ी का डब्बा बनाएंगे, उस डब्बे में कितने बॉक्सेस बनाएंगे, एन बॉक्सेस बनाएंगे, कितने बॉक्सेस बनाएंगे, एन बना लिए। फिर आप क्या करेंगे, उन नंबर्स को लेंगे, अब इसको भूल जाए आप, ये क्या लिखा है मैंने, क्या स्टेटमेंट लिखा है, सबको भूल जाए, बस आप तो इस पे फोकस करें, आप जो अपन ने एफपीसी सीख रखी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उस पे फोकस करें, नहीं सवाल पे फोकस करें। वन से लेके एन तक अपने पास नंबर है, एन डिजिट नंबर है, टोटल हो गए, एन डिजिट हो गई, उनसे लेके एन डिजिट का ही एक नंबर जनरेट करना है अपने को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको फर्स्ट वाले बॉक्स को फिलअप करने के कितने मेथड होंगे, डिजिट अपने पास एन, तो इसको फिलअप करने के मेथड होंगे सॉरी एन। अब सभी डिजिट को लेना है सभी डिजिट को लेना है, कहने का मतलब तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन कर दोगे तो सभी डिजिट को लेके नंबर नहीं बनेगा, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो एक डिजिट जो यहां पे आ गई, तो यहां पे अब कितने डिजिट बचे अपने पास इसको फिलअप करने के लिए, एन माइनस वन। तो इसको कितने तरीकों से अपन फिलअप कर सकते हैं, एन माइनस वन, एंड इसको एन माइनस टू, इसको एन माइनस थ्री, वन 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 डिक्रीज होता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, फाइनली यहां आएंगे, तब अपने पास डिजिट बचेंगे थ्री, तो इसको फिलअप करने के कितने मेथड होंगे, थ्री, इसको फिलअप करने के टू, इसको फिलअप करने के वन। तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपके, कैसे अपने पास टोटल डिजिट एन थे, रेलगाड़ी में एन बॉक्सेज है, फर्स्ट बॉक्स को फिलअप करने का मेथड एन, सेकेंड को फिलअप करने का एन माइनस वन, एन माइनस टू, डैश 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 थ्री टू वन, यो फ्रेंड्स ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो फ्रेंड्स अब आंसर बना क्या, देखो एन डॉट एन माइनस वन डॉट एन माइनस टू डॉट डैश 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 थ्री टू वन। अब अपन पहले सीख चुके हैं फैक्टोरियल, नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल में क्या सीख चुके हैं, नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल में, सॉरी फ्रेंड्स, नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल में अपन सीख चुके हैं कि एन एन माइनस वन एन माइनस टू थ्री डॉट टू डॉट वन, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है फैक्टोरियल ऑफ एन या एन फैक्टोरियल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन फैक्टोरियल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है फ्रेंड्स, एन फैक्टोरियल होता है, तो एन फैक्टोरियल। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट करेगा एन फैक्टोरियल को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब मैं इसको किससे रिप्रेजेंट लिख सकता हूं, सिंबलाइज कर सकता हूं, एन फैक्टोरियल से, और एन फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, एन पी एन, मतलब n, ये n किसको इंडिकेट करता है, टोटल नंबर्स थे अपने पास, मतलब टोटल डिजिट क्या थे, टोटल अपने पास n डिजिट थे, कितने डिजिट अपन ने ले लिए, अपन ने ले लिए n डिजिट, n डिजिट थे और n ही अपन ने ले लिए, लेके उनको परम्यूटेशन बनाया, इसलिए npn, समझ में आया।
तो nPn का मतलब नंबर ऑफ डिजिट थे टोटल अपने पास n, उसका परम्यूटेशन बनाया अपन ने कितने डिजिट लेके, n डिजिट लेके, और किसके इक्वल हुआ, n फैक्टोरियल। क्यों हुआ ये प्रूफ अपन ने देख लिया अभी, तो ये प्रूफ था इसका जो आपने अभी देखा, मैंने एग्जाम्पल एग्जाम्पल के फॉर्म में बना के ये प्रूफ आपको समझा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हुआ आपके कि जब आपके पास n थिंग्स है और उसमें से सारी की सारी ले लें तो आपके पास आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं छोटा सा, सपोज आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ये डिजिट है ना, ये डिजिट है और आपको 5 डिजिट का एक नंबर क्रिएट करना है, 5 डिजिट का, तो ऐसे कितने नंबर्स आप क्रिएट कर सकते हो, है ना, ऐसे कितने नंबर्स क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सोचे, सबसे पहले डिजिट कितने हैं, 5, सारे डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल है, तो n डिस्टिंक्ट डिजिट मतलब 5 डिस्टिंक्ट डिजिट है, टेकन ऑल एट ए टाइम, बिल्कुल 5 के 5 को लेके बनाना, टेकन ऑल एट ए टाइम, सिंबोलाइज्ड एज कैसे, n फैक्टोरियल, तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 5 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल। क्लियर फ्रेंड्स, कैसे, फॉर्मूले से, थ्योरम से, थ्योरम से इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब फ्रेंड्स, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5 अपने पास टोटल थे, परम्यूटेशन निकालना था किसको लेके, 5 को लेके, टोटल 5 थे, परम्यूटेशन निकाल रहे हैं, 5 को ही अपन ने ले लिया। अब देखो यहां अगर मैं बॉक्सेज बनाता जो अपन FPC से देखते हैं, किससे देखते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखते हैं, तो इसको फिलअप करने के कितने मेथड थे फ्रेंड्स, इसको फिलअप करने के थे 5, इसको फिलअप करने के 4, इसको फिलअप करने के 3, इसको फिलअप करने के 2, इसको फिलअप करने के 1, फ्रेंड्स टोटल मेथड कितने हुए, 5.4.3.2.1, यानी 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 फैक्टोरियल। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप FPC का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, कैसे, 5P5 यानी 5 फैक्टोरियल। एक चीज आपको यह भी समझ में आ गई कि 5P5 यानी ये दोनों सेम हो तो क्या बनता है, फैक्टोरियल बनता है, किसका, जो ये सेम नंबर है उसी का। सपोज मैंने लिख दिया 10P10, इसका क्या मतलब हो गया, 10 फैक्टोरियल, ये भी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसका क्या मतलब हो गया, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, और nPn का मतलब भी समझ में आ गया आपको कि n अपने पास टोटल डिजिट है, तो n अपने पास टोटल डिजिट समझ ले, थिंग समझ ले, कुछ भी समझ ले, जिनमें से अपन को n को लेके उसका परम्यूटेशन बनाना है। सपोज यहाँ r होता तो n में से अपन r लेके परम्यूटेशन बनाते हैं, है ना, तो टोटल n उसमें से टेकन कितने कर रहे हैं, r, अगर यहां पर n है तो n टेकन कर रहे हैं, तो ये नोट डाउन करें फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल भी बहुत सुंदर है, गणेशपुरी। गणेशपुरी एक जगह है जो आध्यात्मिक जगह है, काफ़ी फेमस है, और ये बॉम्बे के नज़दीक है। ठीक है, तो जब गणेशपुरी नाम मुझे दिखाई दिया तो मैंने कहा इसके बारे में बता ही देना चाहिए, वसई के नज़दीक है, बॉम्बे का एक स्टेशन है वसई, उसके पास में है ये, तो काफ़ी अच्छी आध्यात्मिक जगह है, आपको इसको सर्च करके इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्ध पीठ है वहाँ पे, है ना, सिद्ध योग का। तो फ्रेंड्स अपने को अब क्या करना है, ये तो आपकी हुई इसकी गणेशपुरी की जानकारी, अब इससे अपन को टेकन, इनको सारे डिजिट टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट अपने पास है, 10 में से सबको एक साथ लेके अपन को क्या बनाना है, परम्यूटेशन बनाना है। 10 डिजिट अपने पास है, सबको एक साथ लेके अपन को परम्यूटेशन बनाना है फ्रेंड्स। तो अपन अब बॉक्स मेथड यानी FPC के थ्रू नहीं जाएंगे, सीधा लिखेंगे, सारे डिफरेंट डिफरेंट है, परम्यूटेशन बनाना है, यानी 10 है, 10 में से कितना लेना है, 10 को लेना है, अरेंजमेंट होगा ही होगा, तो 10P10 यानी क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल, 10 सारे 10 है, परम्यूटेशन बनाना है, कितने लेना है इसमें से, सभी लेना है, टेकन ऑल लेके अपन को क्या बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड, तो 10 फैक्टोरियल, तो 10P10 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, सीधा आंसर क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल। और अगर आप बॉक्स मेथड पे जाते तो आप क्या करते, बॉक्स बनाते, रेल के डब्बे बनाते, कितने डब्बे बनाते फ्रेंड्स, अब मैं बना ही देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10, 10 बॉक्सेस बनाते हैं, फिर फिलअप करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इसको फिलअप करने के 10 मेथड, फिर 9, फिर 8, और लास्ट में जा जाते अपने पास 1 बचता, तो 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 10 फैक्टोरियल, ये बॉक्स मेथड हुआ। तो अब बॉक्स मेथड थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए आप परम्यूटेशन करना यूज साथ साथ स्टार्ट कर दें, अब 10P10 यानी 10 फैक्टोरियल, नोट डाउन करें, थैंक यू वेरी मच।